बचा हुआ है। आए अकेले कर दे, कोई नहीं रहा इनके साथ, मां आए पुलिस वाले नहीं रहे, आए रे। चौकी से लेकर के ऊपर तक सब कुछ बीजेपी के है, सरकार उनकी है। बताओ हत्या हो गई उन्हीं भी इस घटना में संलिप्त होगा, उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास पे आत्मदाह करेंगे। कि हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। दी हिंदू राष्ट्र सरकार माँ, एक हिंदू कैसे मारागा तुम्हारी सुरक्षा माँ। हत्यारे शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजधानी लखनऊ में भयंकर बेरहमी से हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सड़क से लेकर सियासत तक हर जगह भूचाल आ गया था। कमलेश तिवारी की मां की चीखें किसी का भी दिल चीरने के लिए काफी थी। अरे हिंदू राष्ट्र सरकार मां, एक हिंदू कैसे मारागा तुम्हारी सुरक्षा मां। इसे अच्छी तो एक कमलेश की सुरक्षा रहा कि उनके कोई अंगुली नहीं लगा पाए। राजनाथ सिंह ने डीजीपी से बात की, सीएम योगी ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा परिवार के घर पहुंचे। सीएम ने कहा कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। मैं कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3 लोगों को गुजरात में और 2 लोगों को उत्तर प्रदेश में, शेष अन्य लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जो भी इस घटना में संलिप्त होगा उन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर और आईजी ने बताया कि परिवार की मुलाकात सीएम से कराई जाएगी। परिवार की मांगों को मान लिया गया है, सुरक्षा दे दी गई है, मुआवजा और नौकरी दी जाएगी। हालांकि अभी तक हत्या करने वाले दोनों हत्यारे फरार हैं, जो भगवा कुर्ते पहनकर आए थे। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, सूरत से खरीदा गया वो मिठाई का डिब्बा भी। पूरी घटना की बिखरी हुई कड़ियों को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह सूरत से मिठाई लेकर बिजनौर में पूरी घटना की प्लानिंग की गई और लखनऊ में वारदात को अंजाम देकर हत्यारे यहां से भाग निकले। इस कांड में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें रशीद पठान दर्जी है और कंप्यूटर एक्सपर्ट है, मौलाना मोहसिन शेख साड़ी की दुकान पर काम करता है, फैजान जूते की दुकान पर काम करता है। इसी बीच सीतापुर में कमलेश तिवारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो 2 मौलाना भी गिरफ्तार किए गए जिन्होंने 2015 में कमलेश तिवारी के विवादित बयान के बाद 51 लाख रुपए का इनाम रखा था। नौकरी के लिए भी जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको संस्तुति की जाएगी, अनुशंसा की जाएगी। सरकारी योजना के अंतर्गत आवास लखनऊ में आवास की अनुशंसा की जाएगी। शस्त्र लाइसेंस वो ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाएगा। उचित आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाएगी। जो भी यथासंभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराने के मानक के अनुसार वो सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। सही, हमें ये आशंका थी कि इसके तार कहीं से गुजरात से जुड़े हुए हैं। 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है और उनसे बहुत ही सघन पूछताछ की जा रही है। नहीं, स्पेसिफिक मैटर नहीं था, कुछ एजेंसी को, एक पर्टिकुलर एजेंसी को कुछ लोगों की तलाश थी जिनकी फोटोग्राफ्स हमको दी गई, तो उनको हमको ये टास्क मिला। चूंकि रनिंग ट्रेन है इसलिए आपके यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो आप देख लीजिए क्या इनमें से कोई ट्रेन में मौजूद है, तो उसी के नाते तलाश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कमलेश तिवारी की हत्या को दुखद बताते हुए सरकार पर हमला बोला। बताओ पुलिस का सब कुछ है वहाँ, बीजेपी का सब कुछ है, चौकी से लेकर के ऊपर तक सब कुछ बीजेपी के है, सरकार उनकी है। बताओ हत्या हो गई उन्हीं, क्या हत्या को रोक पाई ये लोग। अब इस मामले में अंदेशा जताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने हिंदूवादी नेता की हत्या की है। जैसे जैसे पूरे कांड की परतें खुलेंगी वैसे वैसे सच शीशे की तरह साफ होता जाएगा। फिलहाल रविवार को सीएम योगी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आए अकेले कर दे, कोई नहीं रहा इनके साथ, मां आए पुलिस वाले नहीं रहे, आए रे। वही ताज़ा अपडेट बताते हैं आपको। कमलेश तिवारी के परिजन